हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी. सो वी आर टेकिंग द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हम देखते हैं कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने से करंट फ्लो होती है, जिससे बल्ब ग्लो होता है, फैन स्टार्ट होता है. तो व्हाट इज द बेसिक बिहाइंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, रेजिस्टर्स, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर्स इन सीरीज, पैरेलल कनेक्शंस, वी ऑल विल डील इन दिस चैप्टर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में हम दो टाइप के वो है चार्ज होते हैं. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक करंट, जैसे कि स्टैटिक जिसमें चार्ज पार्टिकल फ्लो नहीं होते, चार्ज डेवलप ड्यू टू फ्रिक्शन. चार्ज पार्टिकल्स डू नॉट फ्लो. रबिंग के कारण डेवलप होता है चार्ज, ऑपोजिट चार्ज, जिसको हम स्टैटिक. इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द चार्ज पार्टिकल्स conductors जो हमारे घर में जनरली हम कॉपर वायर यूज करते हैं, aluminium वायर यूज करते हैं, सिल्वर वायर यूज करते हैं. The conductors, which is good conductor of electricity, allow the charged particle to flow through them. And insulators, the substance which do not allow the charged particle to flow through them. Insulator, plastics, wood ho gaya, insulators, those cover ho gaya, jo which are do not allow the charged particle flow through them. So conductors, insulators, clear ho gaya. So which do not allow the current to flow through them. Now. पहले चार्ज पार्टिकल्स, अब जैसे हमें पता है कि हमने अभी डिस्कस किया, अभी हमने जस्ट लिया कि कंडक्टर्स क्या होता है, चला होता है चार्ज पार्टिकल टू थ्रो थ्रू. कंडक्टर, डस्ट कंडक्टर, सिल्वर हो गया, जनरली हम कॉपर यूज करते हैं. एंड वी ऑल नो दैट दीज आर ऑल मेड अप ऑफ एटम्स. अब एटम्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अब प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लाइ इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दे आर फिक्स्ड, दे डू नॉट मूव. सो बचा क्या, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स. सो ई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विच आर फ्री टू मूव. सो द चार्ज पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स इज कंसिडर चार्ज पार्टिकल. And when this move, it constitutes the electric current. So flow of charged particle, so simple language में clear हो गया. Electrons, protons, neutrons, an atom is made up of electrons, proton, neutron, electron negative, proton positive, neutron. They are fixed inside the nucleus of an atom. They do not move. तो बचा क्या, electrons बचा, negative charged particle, and then ये move करता है, it constitutes the electric current. The flow of electrons. So simple language में flow of इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट. तो जब चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है तो इट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट. तो सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक करंट इज अगर डेफिनेशन लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम. चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम, दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी. सो
इलेक्ट्रिक करंट चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई सिंबल, चार्ज क्यू अपॉन बाय टी। क्यू का अब इसका यूनिट, क्यू का यूनिट चार्ज कूलम, टाइम का सेकंड, सो इट इज कूलम पर सेकंड और एम्पियर, एम्पियर। सो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, दैट इज कूलम पर सेकंड और चार्ज यूनिट का एम्पियर। इज इट क्लियर हो गया? सो सिमिलरली अब आगे वन एम्पियर को अगर मैं लेता हूं, अगर मैंने वन एम्पियर को डिफाइन करना है, अगर मैं वन एम्पियर को डिफाइन करना चाहता हूं, तो देन वी से दैट वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन वन सेकेंड। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं एक एम्पियर को डिफाइन करना चाहता हूं, जैसे कि क्वेश्चन आता है मैं एक नंबर का क्वेश्चन, तो वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन वन सेकेंड, जिसको हम वन एम्पियर कह सकते हैं। देन एक छोटी यूनिट होती है मिली एम्पियर, मिली एम्पियर करंट की स्मॉल, तो वन मिली एम्पियर इज बेसिकली वन अपॉन में थाउजेंड एम्पियर, और वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस एक्सपोनेंट फॉर्म में। सो वन मिली एम्पियर वन अपॉन में थाउजेंड एम्पियर स्मॉल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारे न्यूमेरिकल में यूज होती है। क्लियर हो गया? देन वी प्रोसीड पोटेंशियल डिफरेंस, एक टर्म यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जनरली हम वोल्टेज भी कहते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस। इसको अगर मैं किताब की लैंग्वेज पढ़ूंगा तो बेसिकली ये लिखा है अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने के लिए जो वर्डन करते हैं इज नोन एज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस और समवेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस अमाउंट ऑफ वर्डन टू मूव द चार्ज पार्टिकल। इज इट क्लियर? And which is given by, it is given by V is equal to W upon Q. Simple. Electric potential, amount of work done to move the, इस चार्ज पार्टिकल को मूव करवा, चार्ज पार्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रिक करंट, एंड वंस द चार्ज पार्टिकल मूव देन इट विल कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही, तो V is equal to W upon, अब इसका यूनिट, तो वर्डन का यूनिट जूल पर कूलम और वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट। तो वन वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे मैंने वन एम्पियर को किया था, वन वोल्ट वन जूल ऑफ वर्डन, वन जूल ऑफ वर्डन टू मूव द वन कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए वन जूल ऑफ बर्डन करना पड़ा, इट इज गिवन बाय वन वोल्ट, वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ अब हम सर्किट में, जो जनरली हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं, तो करंट को मेजर करते हैं, पोटेंशियल को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट को इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड ड्राइंग इलेक्ट्रिक सर्किट रेजिस्टेंस, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे फर्दर।
सो ये मैंने एक डायग्राम बनाया जिसमें ए स्टैंड्स फॉर एमीटर विच इज बेसिकली यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट एंड बी स्टैंड्स फॉर वोल्ट मीटर ए एमीटर मेजर द करंट अक्रॉस द सर्किट और ये एक चीज ये ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज रजिस्टर ये है आर स्टैंड फॉर रजिस्टर सीरीज में एमीटर फिक्स अप है एंड वी वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इसके अरेंजमेंट इट इज अटैच पैरेलल टू द रेजिस्टेंस ये सीरीज में पैरेलल है इसके साथ में और एमीटर ऑलवेज सीरीज में एमीटर का लो रेजिस्टेंस एमीटर वेरी लो रेजिस्टेंस आगे पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में एंड वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस अटैच अक्रॉस द सीरीज एंड इन पैरेलल सो हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में चार्ज पार्टिकल के बारे में इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल मूव फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल नाउ conventional flow of electric current conventional direct flow electric current circuit में जो charge flow होता है इट इज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल बेसिकली सर्किट में जो चार्ज पार्टिकल फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है इट इज फ्रॉम दैट इज द बेसिक द करंट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट दैट इज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल नाउ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हाउ टू अचीव किस तरह से पॉसिबल होता है कि इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में कंटिन्यूसली फ्लो हो तो दैट इज बेसिकली इट इज पॉसिबल आइदर ड्यू टू द मेल और द सेल्स और द बैटरी तो बैटरी हो गया और मेल हो गया विच अलाउ द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो वी शुड क्लियर की वोल्टेज अप्लाई करते हैं दैट पुश द चार्ज पार्टिकल जनरली हमारे घरों में सर्किट्स है मैंने स्विच ऑन करा बल्ब ग्लो होता है नाउ हाउ इज इट पॉसिबल कि स्विच ऑन करते ही बल्ब ग्लो हो रहा है फैन चालू हो रहा है दैट द कंडक्टर्स इज देयर इन बिटवीन द स्विच एंड द बल्ब द कंडक्टिंग वायर हैज चार्ज पार्टिकल्स इन इट तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा That voltage applied source of basically electric current the voltage either through comes through the main or the battery that voltage push the charge particles to move from the higher potential to the lower potential and that charge particle constitute the electric current so continuous flow of electric current is possible due to mail or cells that is battery so agar mereko circuit mein continuous flow of electric current chahiye to ye tabhi possible hoga jab there is a source kya hota hai yahan pe mail jo hame milta hai hamare gharon mein ya fir cells or battery ke through that apply that push the charge particles and when the charge particles start moving current flow is it clear to ye hamara electric current ke bare mein bhi hum gone through charge particle potential difference
वोल्ट हो गया, वोल्टमीटर, एमीटर, तो दिस थिंग्स वी हैव गॉन थ्रू इट. नाउ नाउ वी टेक द अगला स्टेप इसमें ओम्स लॉ. अब हमें आइडिया लग गया V stands for voltage, I for the current. So there is a relationship between relationship between V and I. How they are related? V stands for voltage applied across the conductor that enables the charge to move, and once the charge particle moves, it constitutes electric current denoted by the I. तो V और I इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरह से रिलेटेड है? तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहते हैं? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में V वोल्टेज, I इलेक्ट्रिक करंट. तो V सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ट्राई टू अंडरस्टैंड कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, this is electric current. बड़ा सिंपल सा है फंडा कि अगर मेरे को वोल्टेज सफिशिएंट मिल गई, जैसे हमारे घरों में है मैक्सिमम वोल्टेज 220 है, अगर 220 वोल्टेज आती है तो मेरे बल्ब, फैन, दे ऑल गिव द प्रॉपर लाइट, प्रॉपर स्पीड से फैन चलता है, एयर कंडीशनर प्रॉपर कूलिंग करता है, बल्ब प्रॉपर लाइट देता है. सो अगर वोल्टेज कम होती है, अकॉर्डिंगली लाइट भी, जो बल्ब से लाइट मिल रही है या फैन की स्पीड या एसी की स्पीड है, वो एज कंपेयर टू अर्लियर वो लेस हो जाती है. सो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. तो वी इंक्रीज होगा तो आई भी इंक्रीज होगा, वी डिक्रीज होगा तो आई भी डिक्रीज होगा. सो दैट इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई. एंड देयर इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम कहते हैं वी अपॉन में आई इज इक्वल टू आर. तो दिस इज अ रिलेशन, V is directly proportional to I, and V upon my I is a constant. Different V के लिए I की value भी different होगी, but V upon my I का ratio always constant होगा. That constant is given by R, that is ohm. R is basically ohm, जिसका unit ohm होता है, is called the resistance R हो गया. So यहां पे relationship that this R is called the resistance, and here I is directly proportional to current, is directly proportional to voltage, so therefore current is directly proportional, and current is inversely proportional to resistance. So हमने एक रिलेशनशिप देखा फर्दर कि करंट वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, and current is inversely proportional resistance. So this is given by Ohm's law, that is V upon I is equal to R. अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, if I draw the graph of the V and I, so V is and I, तो my graph will be a straight line. स्टेट लाइन. अब इस स्टेट लाइन जो स्लोप है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आर को. सो एनी पॉइंट ऑन द लाइन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द आर इन द पर्टिकुलर एट वोल्टेज. सो डिफरेंट वी के लिए आई की वैल्यू डिफरेंट है, बट वी अपॉन आई का रेशियो क्या होता है? कॉन्स्टेंट इज गिवन बाय द ओम्स लॉ. एंड ग्राफ, इसका ग्राफ होता है यूनिफॉर्म ग्राफ होता है, यूनिट स्टेट लाइन है, दट इज वी अपॉन आई. द स्लोप इज गिवन बाय द आर, दट इज द रेजिस्टेंस. इसका यूनिट ओम हो गया. ओम को डिनोट करते हैं सिंबल में लाइक दिस, जो हमने आर कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी निकाला, डिनोटेड बाय द सिंबल ओम का सिंबल हो गया, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं. और यहां पे हमने देखा कि करंट वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है? रेजिस्टेंस. सिंपल लैंग्वेज में अगर वोल्टेज डबल हो जाए तो करंट भी डबल हो जाएगा. क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और अगर रेजिस्टेंस डबल होता है तो करंट विल बी हाफ, और करंट डबल हो जाता है रेजिस्टेंस विल बी हाफ. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर रेजिस्टेंस डबल होता है करंट भी हाफ हो जाता है, और अगर करंट डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस भी हाफ. तो दिस वे दे आर रिलेटेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. तो ये ओम्स लॉ. देन
अब रेजिस्टेंस किस तरह से फैक्टर्स किस पर डिपेंड, रेजिस्टेंस आर, ये बेसिकली किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, किस तरह से सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इज डिपेंड करता लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल, एंड टेम्परेचर। ये कुछ पॉइंट्स जो नोट डाउन कर रहा हूं। तो रेजिस्टेंस आर द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द लेंथ, आगे हम देखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज थिकनेस ऑफ द वायर, वायर मोर थिकनेस और लेस थिकनेस दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर, तो इन तीन चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इज द रेजिस्टेंस है। अब उससे पहले व्हाट इज रेजिस्टेंस, अभी हमने देखा कि कॉन्स्टेंट और प्रोपोर्शन निकला, तो हाउ वी कैन डिफाइन व्हाट इज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो ऑफ चार्ज, ऑब्स्ट्रक्शन इन द व्हाइल चार्ज पार्टिकल्स मूव थ्रू द कंडक्टर, देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन। मैं कंडक्टर का डायग्राम ड्रॉ करता हूं, एक कंडक्टर का डायग्राम, एक वायर लेटिंग में सेगमेंट ऑफ द कंडक्टर कॉपर वायर का जिसमें चार्ज पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं। चार्ज पार्टिकल्स अभी हमने देखा दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, सो आई हैव टेकन द कंडक्टर, मैंने कंडक्टर लिया जिसमें चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल, एज सुन एज I apply the voltage. अब मैंने क्या करा, यहां पे मैंने they are not connected across the terminals of the cell. एक simple conductor लिया, charge particles randomly move कर रहे हैं, no flow of charge particles, no electric current. Clear है? Now what I do? I connect to the ends of the electric cell. बैटरी के टर्मिनल्स के अरेंज किया, हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, सो एज सून एज मैंने कंडक्टर को कनेक्ट करा तो व्हाट आई विल सी दैट ऑल द चार्ज पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स थे जो यहां पे हमने क्या इलेक्ट्रॉन्स यहां पे रैंडमली मूव कर रहे थे, नो इलेक्ट्रिक करंट, नाउ once they connected to the across the terminals of the battery they start moving from the higher potential to the lower potential, and once the charged particles move they constitute the electric current, they constitute the electric current. Now but hamara point kya tha, resistance, why charged particles move from the higher potential to the lower potential in the conductor, while moving they collide with each other and they also ek dusre se collide karte while moving and they also collide with the walls of the conductor. To charge particles move karte hue ek dusre ke sath collide karte and they also collide with the walls of the conductor. That obstruction to the flow of electric current is given by resistance. So obstruction, क्लियर हो गया, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, व्हाइल मूविंग दे कोलाइड विद ईच अदर, दे आल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंडक्टर एंड दे ऑफर द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज
रेजिस्टेंस। अभी हमने जाना कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, इसके फैक्टर्स हमने जाने, तो क्लियर। चार्ज पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं, नो करंट, पोटेंशियल अप्लाइड, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, चार्ज पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग। इज इट क्लियर? सो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट जहां पे हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, चार्ज पार्टिकल्स, ओम्स लॉ के बारे में, एमीटर, वोल्टमीटर, ऑल थिंग्स वी हैव गॉन थ्रू इट। सो जस्ट गो थ्रू दिस एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज टेक्स्ट मी योर डाउट्स एंड इफ यू फाइंड इट द फ्रूटफुल, if you find it fruitful that it will help you a lot, then please do like the video, subscribe it and share it. Thank you very much.